सूर्य ग्रहण एक वरदान। हाँ, सूर्य ग्रहण एक वरदान है उन लोगों के लिए जिनके कुंडली में सूर्य को ग्रहण है। दोस्तों, आपके कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा हो, अगर वो राहु या केतु के साथ है तो आप पकड़ के चलना, इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, सूर्य रिप्रेजेंट करता है कुंडली में अपने पिता को, अपने फेम को और अपने सोल को। अगर आपके कुंडली में सूर्य राहु के साथ होगा तो आप देखोगे कि आपके फादर को कोई ना कोई बड़ा हेल्थ इश्यू, उनके लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होना, चाहे आप कितने भी काम करते हो आपको सक्सेस ना मिलना, हेयर फॉल का होना, ये सब चीजें होती है अगर कुंडली में सूर्य ग्रहण हो। अगर सूर्य ग्रहण बहुत स्ट्रांग आपके कुंडली में होगा, राहु और सूर्य की डिग्री बहुत क्लोज होगी, तो डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। इसीलिए जब भी सूर्य ग्रहण आता है, और अगर आप सूर्य ग्रहण के टाइम पे सूर्य ग्रहण का उपाय करते हो, तो आपकी कुंडली में से सूर्य ग्रहण के इफेक्ट्स 40-50% कम हो जाते हैं। दोस्तों, सूर्य के इष्ट देवता जो है वो है प्रभु राम। और दोस्तों, अगर सूर्य ग्रहण के दिन आप गेहूं का दान करते हो, क्योंकि गेहूं ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है सन को, अगर आप गेहूं का दान सूर्य ग्रहण के दिन करते हो तो आपके कुंडली में जो सूर्य ग्रहण के इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएंगे। दोस्तों, अभी 8 अप्रैल को दोपहर में दो बजे से लेके 9 अप्रैल के रात के 2 बजे तक सूर्य ग्रहण के इफेक्ट्स दिखेंगे। हालांकि इंडिया में इसका इफेक्ट नहीं दिखने वाला है, लेकिन इंडिया में जो सूर्य ग्रहण हमको दिखेगा वो रहेगा रात को 10 बजे के बाद। इसीलिए दिन के टाइम पे तो सूर्य ग्रहण दिखने ही नहीं वाला है। तो आपको जो डोनेशन करना है वो 9 तारीख को करना है सवेरे। 9 तारीख को मॉर्निंग में आपको गेहूं का दान करना है। गेहूं का दान आपको राम मंदिर में करना है, क्योंकि सूर्य के इष्ट देवता है प्रभु राम। आप चाहे तो मंदिर में ही गेहूं दान कर सकते हो, या राम मंदिर में गेहूं को रखकर फिर उसे बाहर कहीं दान कर सकते हो। इससे आपके सूर्य ग्रहण के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और 8 अप्रैल को दोपहर में 2 बजे के बाद 6 बजे तक अगर आप आदित्य उदय स्तोत्रम का पाठ रेगुलरली करते हो, कम से कम 7 से 8 बार, तो दोस्तों इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आपको मिलेंगे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, क्योंकि सूर्य ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस को भी। ये सूर्य ग्रहण का उपाय आप करिए, आपको 45 डेज के अंदर इसके रिजल्ट्स पक्का देखने को मिलेंगे।